वीडियो में आपको दिखाया है, तो इसका जो लुक है और भी निखर जाएगा। और हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली सीजन आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, एंड मैरिजेस आर आल्सो देयर, मतलब फेस्टिव सीजन इज़ ऑलमोस्ट हेयर। तो आप बहुत सारे ड्रेसेस देखते होंगे कि हमें क्या पहनना चाहिए, तो आज मैं आपको ऐसे ही ड्रेसेस दिखाने जा रही हूँ जिसे आप डेली यूज़ में भी कैरी कर सकते हैं और फेस्टिव सीजन में। मिक्स्ड कलेक्शन है आज मेरा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरा वीडियो तो देख लेते हैं पर उसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मेरा चैनल का नाम है बब्लिश गर्ल ब्लॉग्स। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ अपने मीशो कलेक्शन के बारे में। मैंने आज मीशो से बहुत सारी कुर्तीज़ मंगवाई हैं, सम आर फॉर करवा चौथ, सम आर फॉर दिवाली, सम आर फॉर कैजुअल यूज़ ऑल्सो। अगर आप कहीं शॉपिंग पे जाते हैं तो उससे रिलेटेड ड्रेसेस भी आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, तो मेरे चैनल को अंत तक देखना ना भूलें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस कुर्ती से। ये ब्लैक कलर की कुर्ती है, ये स्लीवलेस है। इसका मटेरियल तो बहुत ही अच्छा आया है, बिल्कुल कॉटन मटेरियल है, बहुत ठंडा मटेरियल है एंड स्लीवलेस है। और इसकी बैक की डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये देखिए यहाँ से बैक की डिज़ाइन है एंड ऊपर से इसमें ऐसे एम्ब्रॉयडरी करी हुई है एंड नीचे से प्लेन ब्लैक है और सबसे बॉटम में भी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है। इट्स लुकिंग वेरी नाइस और इसको पहनने में बहुत कम्फर्टेबल है। आप समर सीज़न में या अभी भी समर ही चल रहा है, ठंड तो अभी आई ही नहीं है, तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। हॉट एंड सेक्सी लगना चाहते हैं तो ये ड्रेस आपके लिए परफेक्ट है। आप अगर वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो ये कुर्ती आपके लिए परफेक्ट है। तो मेरी जो नेक्स्ट ड्रेस है वो है करवा चौथ से रिलेटेड ड्रेस है। ये रेड कलर की एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती है, इसमें डिज़ाइनर ड्रेस है। ये देखिए ये डिज़ाइनर ड्रेस है। ये वन साइड इसका ओपन है, यहाँ से आपका टमी शो होगा और ये इसकी स्लीव्स हैं। ये भी ऑल्सो प्योर कॉटन मटेरियल है। 600 के अंडर में आपको अगर मीशो ऐसी प्योर कॉटन में इतना अच्छा मटेरियल देता है तो आपके लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये देखिए इसकी एम्ब्रॉयडरी में कितनी फिनिशिंग है, बहुत ही शाइनी एम्ब्रॉयडरी है इसकी। ये देखिए ये यहाँ से ये है, आप पिक्चर में देख सकते हैं इसका पूरा लुक। और साथ ये धोती पैंट्स आई हैं, देखिए इसकी कमर पे कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है एंड पैंट्स के जो मिडिल में ये ऐसे गोटा पट्टी लगी हुई है और ये यहाँ से ओपन भी होती है, ये दोनों साइड से ओपन होती है। इसका पूरा लुक आप पिक्स में देख सकते हैं, वीडियो में साइड में जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट कॉटन है। इतना अच्छा मटेरियल मीशो से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड जितनी डिज़ाइनर कुर्ती है ये बहुत ही औसम लगेगी। अगर आप करवा चौथ पे पहनेंगे तो सबकी नज़रें बस आपके ऊपर ही होंगी। तो नेक्स्ट ड्रेस जो मेरी है ये है, ये तो कॉम्बिनेशन है, आप फेस्टिवल पे भी पहन सकते हैं और आप डेली यूज़ में भी पहन सकते हैं। आप इसको एक बार फेस्टिवल में पहन के, हमारे तो बहुत सारे क्लोथ्स ऐसे होते हैं जो एक बार फेस्टिवल में पहन लिए इतने हैवी होते हैं तो वो बाद में यूज़ ही नहीं होते हैं, ऐसे ही रखे रहते हैं। बट ये जो कुर्ती है ये कॉम्बिनेशन है फॉर बोथ, आप डेली यूज़ में भी कैरी कर सकते हैं और फेस्टिवल्स में भी। ये देखिए कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है फिनिशिंग से एंड इसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट है, कॉटन है। आप इसको आग बंद करके ले सकते हैं। इसकी स्लीव्स में ये गोटा पट्टी लगी हुई है यहाँ से दोनों साइड से एंड इसके बॉटम में भी ऐसे गोटा पट्टी लगी हुई है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और पहनने में तो इसका लुक और भी अच्छा लगता है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है कपड़ों में तो आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं बिकॉज ये ठंडा कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है। मीशो से इतना अच्छा कपड़ा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी अच्छी अच्छी कुर्तीज़ के मटेरियल भेजेगा, बिकॉज सब लोग सोचते हैं कि मीशो इतना सस्ता है, अच्छी कुर्तियाँ ही नहीं भेजता है तो हम मीशो से ऑर्डर ही नहीं करेंगे। बट अब मीशो ने अपनी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर दी है, तो आप मीशो से इजीली आँख बंद करके भी क्लोथ्स ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लोथ्स है ये है एक मैक्सी ड्रेस। तो आप शादी की शॉपिंग करने जाते हैं या कहीं ईजिली आउटिंग के लिए जाते हैं, मॉल वगैरह या कहीं पे भी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर में जाते हैं, तो ये मैक्सी ड्रेस आपके लिए परफेक्ट है। ये देखिए ये पूरी फुली
प्रिंटेड मैक्सी ड्रेस है। वीडियो में आप इसका फुल लुक देख सकते हैं। ये इतना बड़ा घेर है इसका, ये फुल स्लीव्स है इसकी, ये बलून स्लीव्स हैं। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है। और ये कॉलर है यहाँ पे, ये पहनने में बहुत क्लासी लगती है। अगर आप इसके साथ बेल्ट कैरी करेंगे जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया है, तो इसका जो लुक है और भी निखर जाएगा, और भी ज़्यादा क्लासी एंड स्मार्ट लगेगी। तो ये आप अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग में या कहीं घूमने जाए तो इजीली आप कैरी कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है। तो गाइस, नेक्स्ट जो मेरी कुर्ती है ये भी प्योर कॉटन में, इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड ये आलिया कट में इसका नेक है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसमें मिरर वर्क किया हुआ है। सबसे फेवरेट मेरी कुर्ती है ये, इतनी कंफर्टेबल है कि मैं इसको शॉपिंग करने के लिए आउटिंग पे इजीली कैरी कर सकती हूँ। इवन मेरी प्रेगनेंसी में भी ये कुर्ती मुझे बहुत हेल्प करती है, बिकॉज़ यहाँ से इतनी सॉफ्ट मटेरियल है। ये देखिए पूरा लंबी है ये, एंड यहाँ से नायरा कट है इस कुर्ती का। इतनी प्यारी कुर्ती लगती है, प्रिंट भी इसका ऑसम है, कलर इज़ ऑल्सो ऑसम। आप वीडियो में इसका फुल लुक देख सकते हैं, कितनी ऑसम लगती है ये। इसके साथ ये पैंट्स भी आई हैं, पैंट्स का मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, इतनी अच्छी प्रिंट है इसकी। एंड ये सॉफ्ट कॉटन है, आप इसको इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, फेस्टिवल्स में या आउटिंग में, शॉपिंग में। ये देखिए कितनी प्यारी कुर्ती है। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत लगता है कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं कि नहीं, बिकॉज़ आप वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। और अगर आपको सारी ड्रेसेस की लिंक एंड कोड चाहिए तो वह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। थैंक यू।